गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हमारा पांचवा पार्ट देख रहे हैं। प्रेरक प्रसंग, हमने इसमें दो प्रसंग देखे। एक है मालवीय जी का और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो इसके ऊपर जो अभ्यास कार्य है वो आज हम देखने वाले। तो देखिए, पाठ की बात प्रश्न क्रमांक एक, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक और लिखित। ये दो भाग है, मौखिक और लिखित। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न क्या है, मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, बताइए। मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब ये देखिए, विश्वविद्यालय इस प्रकार आप लिखिए, ठीक है। इस प्रकार लिखिए, ठीक है। मतलब पूरे वाक्य में कैसा होगा, मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब देखिए, ये हो गए मौखिक प्रश्न, अब है लिखित प्रश्न। लिखित में पहला प्रश्न है, देखिए, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की। प्रश्न क्या है, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं स्वीकार की, बताइए। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की जो पदवी थी कोलकाता विश्वविद्यालय में, तो उन्हें दिया था उनका सम्मान करने के लिए, तो वो जो उपाधि है उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार की, बताइए। क्योंकि देखिए, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। उनका मानना था कि पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। देखिए, मालवीय जी का क्या मानना था कि पंडित से बढ़कर कोई और उपाधि नहीं है। अब इस प्रकार से जो है हम इसका उत्तर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। उनका मानना था कि पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए। प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर क्यों दुखी हुए, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर दुखी क्यों हुए? जी, क्योंकि वो क्या है, वो जो पेन था उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूटे हुए पेन को देख लेकर बहुत दुखी हुए क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूटे हुए पेन को लेकर बहुत दुखी हुए क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अब अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अत्यंत सरल
हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे और उनका उनके जो विचार है, व्यवहार तथा उनकी जो वेशभूषा है, सभी में क्या है, भारतीयता के दर्शन होते थे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। इस प्रकार से जो है यह हमने प्रश्न देखे, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।